जियो जियो बहादुर, क्या बात है, शाबाश सेल शाबाश। जिया जिया रिंकू मास्टर जिया, ये देखिए छोटी सी भी रहा आप लोग के बीच में, भीम इंटरटेनमेंट के माध्यम से जा रही है। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मुझे भी आप लोग अपना प्यार दुलार देंगे। कहना है कैसे, चार लाइन भूमिका है। नैन का तीर तलवार से है कटर, तीव्रता की न सीमा समा कर कोई, दिल है दरिया ये साहिल कयामत कठिन, आशिकों से न दूजा दिलावर कोई, पाक घर है मोहब्बत तो जन्नत मिले, आत्मा आत्मा से मुलाकात हो, कभी गया लाल यारों खुदा की कसम, सोना सरगम हृदय की सही बात हो। छोटी सी गजल है, कहना है कैसे, अरे लड़के हम मोहल्ले के, अरे लड़के हम मोहल्ले के शैतान मेरी लैला, 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 लड़के हम मोहल्ले के शैतान मेरी लैला। इनसे बचा इनसे बचा ले अपनी दुकान मेरी लैला, इनसे बचा ले अपनी लेकिन इस सुंदर कवि जी भाव लिख ले, भाव में कहना कैसे, अरे इंसान ना बली है, अरे इंसान ना बली है पलवान समैया है, इंसान ना बली है पलवान समैया है, प्रकृति जो चाहे, प्रकृति जो चाहे भगवान समैया है, प्रकृति जो चाहे भगवान समैया, प्रकृति जो चाहे भगवान समैया, जो चर जो समैया। लेकिन यही से कहानी का शुरुआत हुआ, कैसे, तू हुस्न की मलिका तेरी अदा शराब है,
तू हुस्न की मलिका तेरी अदा शराब है, होठों का रस पिलाती मैं कदा बेकार है। कहीं पे समापन कर जलाती परवाने को, कहीं पे समापन कर जलाती परवाने को, जहर का जाम तूने दे दिया जमाने को। एक राजा की लड़की थी काशी के नगरिया, एक राजा की लड़की थी काशी की नगरिया, भोरे भोरे एक डोम से लड़ गई नजरिया। वो ठोपे तबस्सुम था रुखसार पे पानी, वो ठोपे तबस्सुम था रुखसार पे पानी, मोहित हुआ डोम देख सुंदर जवानी। बात के समझ ले जा, यही काशी के नगरी में उग्रसेन राजा के लड़की जेकर नाम रहल रूपमती, जैसे नाम बा वैसे ही भगवान के बनौलहु रहल। रूपमती बड़ी खूबसूरत रहल। एक दिन भोरे भोरे में रूपमती अपने शीश महल के, बाबूजी के शीश महल पे चढ़ के भोरहरी का हवा खाती है। और वही भोरवे में एक थे वही काशी नगर का मेस्तर, वही काशी का मेस्तर आये लो झाड़ू मारे, झाड़ू मारा था रोडे पे। एक दाई हर्ष मल्ला, एक दाई हर्ष मल्ला, झाड़ू चर चर बोला ला। एक दाई हर्ष मल्ला खर रहा, एक दाई हर्ष मल्ला खर। रानी की नजर पड़ी के भाई कौन, कैसी आवाज नीचे से आ रही है, नीचे कौन है। रानी झुक के नीचे देखल है, अब मेस्तर टक पदे ऊपर तकल है। आ जैसे ही मेस्तर ऊपर तकल है, रानी के और मेस्तरवा के नजरिया गई। आ जब नजरिया लड़ गई तो फूटी गया, नजरिया लड़ गई तो मेस्तरवा के टक बाई धैल है। कह गजब रे गजब, गजब रे गजब, अरे यार गजब का चीज है। रानी तो चली गई, लेकिन मेस्तर गजब रे गजब, गजब रे गजब करत क्या चीज है भाई। अपने वही टूटहिया मड़ई में पहुंचल बा, वही मड़ई में जाय के एठे घोन चहिया खटिया पे सूत के, वह भेड़िया हवा चद्दर तान के, और वही में से कह गजब रे गजब, गजब रे गजब। आ तबले कौनो ओर से मेस्तर आई नहीं गई, कले ए भाई आवत रहलन तो पहले पानी दाना पूछत रहलन, मांगत रहला हमसे, हमके पूछत रहलन, बुलावत रहलन, खात पियत रहलन, तब जाए के सुतत रहलन। आज का भल है, तबियत खराब है का। मिस्तराइन करीब पहुंचल तो ही मसे गजब रे गजब, गजब रे गजब। आज ए भैया मिस्तराइन बड़ी परेशानी पूछत है, कहो का भय है आज का बतौलन। एक लाइन गीत लगल, वह गीत हो कौनो ससुर और पतोहे के बात हो, कौनो ससुर पतोहे के बात हो, कौनो लड़का परदेश गौना कराए के दुल्हिया के घरे छोड़ के बाबूजी पे, बाबूजी हम जाते ही परदेश, एकर देखभाल करिहा टाइम टाइम से जोन घटल बढ़ल देत रहिया, कह के दुल्हा परदेश चल जाला भैल का मास्टर। बाबा मास्टर बड़ी बढ़िया गीत है, यह गीत हो आखिर बाबूजी एक दिन भोरहरी में उठलन, पतोहियो उठल, पतोहिया झाड़ू लगावत हो, बाबूजी का नजर पतोहिया पे पड़ गई। तो भैल का बाबूजी पूछत हम का पूछलन, बाबूजी का नजर जब चेहरा पे पड़ल है तो पूछत हम का पूछलन, कहना है पतोहिया जवाब दिल। हम तो सूत गईली जागे सारी दुनिया, हम
बाबा चोरी हो गए रात में नथुनिया, बाबा चोरी हो गए रात में गैले चेताई बलम बेरी बेरी बात जनी करिया क्यों से अखिया दरेरी डकपोर जाई चढ़ली जवानिया डकपोर जाई चढ़ली जवानिया बाबा चोरी हो गए रात में नथुनिया भाव हो। लेकिन बताओ तो मेस्तराइन से मेस्तर की का देखली है, का देखल का बतौल? बड़ा निक लगे हवा भोर हरिया, बड़ा निक लगे हवा भोर हरिया, मजा लुटे अली राजा ककुआरिया, मजा लुटे देखले बड़ो मवा तो उल्टल पुतरिया मुहवा बाबाई गहल पड़ली नजरिया आइल भोरे सुतल तान के चदरिया, आइल भोरे सुतल तान के चदरिया, मजा लूटे अली राजा ककुआरिया। आज भैया सारी बात को मेस्तराइन से मेस्तर बताता है। मेस्तराइन घुसी आई गई, मेस्तराइन घुसी आई गई, आज तबले भैल का मास्टर एक लाइन गीत हो। रतिया खटक गई, रतिया खटक गई, खटकिनिया लल के गुसियाई गेल, गुसियाई के मेस्तर से कहल का कहल कि गईल मेस्तरवा, अरे गईल मेस्तरवा पगलाही चीजिया गजब शीश महल के ऊपर देखल गोरिया एक हसीना, इतना सुनते डोमिन के तब छूटे लागल पसीना, तुम्हारी हमहू के मरवाही चीजिया गजब जे। भैया बताया जाता है मेस्तराइन परेशान हो गल के भाई, ये तो बहुत बड़ी बात बताओ थो, अब का करी, ई लगत हो
कि अपने तो मरबे करी बाबा, वही संगे संगे हमऊ के मरवाई। इतना दिन के बाद केहू से नैनो लड़ौला तू हो राजा के लड़की से। कला देख एक ठे हमार काम कह देती, हमार मेहरारू भाई हमारे दिल का हाल तही समझ सकली और क्यों न समझी। पूछल का कहला मिस्टर मिस्टराइन से एक लाइन गीत है, वह गीत है बदनाम हो को जरवा मेस्तर कहला मेस्तर आइन से तनिक रव तू हो मिलनमा ना देखब वही चांद का सूरतिया चल जाई जन्म हमार आय हाय अरे चल के बतियावा तू हमसे मिलावा ना तो मिट जाई से नूरा लीलार हो मिलनवा। कल देख तई हमरे दिल का हाल बुझ सकली, एक बार रानी से हमार मुलाकात करवाई दी थी, फिर हम कुछ ना कहब तो से आय अगर ना करेबी तो हम मर जाएब, मर जाएब तो तय विधवा हो जाएबी। बोल विधवा रहल ठीक है कि एक दाई मुलाकात करावल। मिस्तर आई ने सोचत सोचत कल का करी, कल चला अच्छा ठीक है जा थैला रानी से बतियावत थीला, अगर मान जाई है तो ठीक हो। अब मेस्तराई चल लिया और रानी के महल के ओर, और रानी के महल के ओर चल लिया तो भैल का मास्टर कहना भैल का भैल सासू मारे तनमा, अरे सासू मारे तनमा है ननदी मारे तनमा हो तनमा है हो मारे ना तनमा है हो मारे ना हमारे आगे कब तहनर तनमा तो गीत के लाइन हो। लेकिन मेस्तराइन जैसे ही रानी के दुआरे ओर चलल है, चलल है तो भल का अरे चल के कराई दे तू, अरे चल के कराई दे तू अपन रसनामा हो जनामा गारे में परम हो जनामा गारे में परम हमारो मर जाइ है सजना मर जनमा गारे में अरे तुहरे जवनिया पे पागल में सरवा आ तबले रानी हवा में ऊ थवली हाथिया कहत तबले अरे यतना कहत तबले लाल भैल कुनावा हो जनावा गारे में परल जनावा गारे में परल हमरो मर जाइ है सजनावा हो जनावा गारे में परल।
बाजे भैया, जैसे ही मेस्तराइन शीश महल की ओर चल लिया, रानी देखल के भाई लगत है कौनो नीच जात हमारे दुआरे ओर चलल चली आवत हो, का बात हो। जैसे ही मेस्तराइन पहुंचल रानी, तोहरे जवानी पे मार मेस्तरवा पगलाई गल हो, तोहरे जवानी पे मार मेस्तरवा पगलाई गल है, एक बार चल के मुलाकात कैला। इतना बतिया रानी जैसे ही सुनी गुस्से में लाल, गुस्से में लाल तुरंत तलवार खींच लेती है। का कहली है, फिर से बोल का कहली है। कलर रानी छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात, तलवार खींच ले ले उते चाहे मारा चाहे छोड़ा, मार देबू यार हम मर जाई, ओहर तोहरे प्यार में पगलाए गल हमार मेस्तरवा मर जाई, दुद्दू कत्ल के इंजाम तोहरे सर पे लग जाई। आ जब दुद्दू कत्ल के इंजाम लग जाई ती काशी नगरी के प्रजा पूरा ताना मारी, तो के काशी नगरी के प्रजा ताना मारी, जिंदगी भर ताना सुनल चाह तू कि चल के मेरे मेस्तरवा से एक दाई मुलाकात कर लेबू। रानी मने मन सोचे लगल के भाई सहिये कहथियो, मुलाकात कैले चल के धीरे से केहू ना जानी, लेकिन अगर मर्डर कह देवे कर तो पूरा गांव जवार जान जाई, हमार बड़ी बदनामी हुई। रानी कल अच्छा जो जाए के अपने मेस्तरवा से कह दे, अपने मेस्तरवा से कह दे कि गांव के बहरे जो कृष्ण भगवान का मंदिर हो वही मंदिर पे आई, साधु का भेष बनाए कि आई, हम पूजा करे आई, मुलाकात हो जाए। वह कहले जौन रोगिया भावा वह है वैद बताव है, अब इधर है भैया मेस्तराइन चल लियो, अब ओहर मेस्तरवा वही घंचहिया खटिया पे सुतल हो, भेड़िया हवा कंबल ओढ़ ले, वही मसत्ता का था कि मेस्तराइनिया आवत हिय, लगत कुछ सनेसा लियावत हो, लमोह से पूछा था का रे रानी का कहनी, जल्दी बोल जल्दी बताओ का कहनी है। कले ए, और जो बनारस के कुल नाला साफ करे का ठीका ले ले हो, पहले चल के नाला साफ करा ओकरे बाद बताई कि रानी का कहनी है। कले देख जवन कहबी तमन करब, पहले बता दे कि रानी कहलिन का है। कले कि रानी कहनी कि वही कृष्ण भगवान के मंदिर पे साधु को भेष बनाए के है, अब मुलाकात हो जाए। बड़ा खुशबल कहला कि जो अब अपन नाला वाला साफ कर, अब हम चलत हिला, यार गेरुआ वस्त्र पहन लिया, आई दू चार सियार उर मरल रहना उन्हन को हड्डी जुटा ले, हड्डी जुटा के ओकर माला बनाए ले, गले में डाल लिया, आ गेरुआ वस्त्र पहन के जाए के वही मंदिर में प्रवचन शुरू कैले है। आ जब प्रवचन शुरू कैले है तब हल्का मास्टर टेरी लगल, अरे दीवाना दिलवर होना चाहिए, अरे दीवाना दिलवर होना चाहिए, एक और जले समा एक और जलता परवाना, दीवाना दिलवर होना चाहिए, ये कुर जले समा ये कुर जलता परवाना, दीवाना दिलवर होना चाहिए। अबे भैया जाए के वही मंदिर पे प्रवचन शुरू किया, अब प्रवचन शुरू में बदे दूर दूर से लोग आने लगे, धीरे धीरे लोग आज शिष्य बने स्टार्ट कर दहलन। अब वहां प्रवचन शुरू है, बड़ी अनमोल बात बतावा, का बतावा मास्टर, यही से सोठी लगल। नारी के करनावा भरथरी बानी, गैला जोगी आए रे बानी, गैला जोगी आहो राजपाट दी हलन विचारन होरा किया। ले
लेकिन मेस्तर बड़ी अनमोल बात बतिया मैं का कहें। अरे गौआ के बाहर रहल कृष्ण कै मंदिरावा, अरे कृष्ण कै मंदिरावा, हो साधु वाला भेसवा बना से काम होई लिया जन दवाई आयर लिया जन दवाई आओ ज्ञान पर बचन सुना जन दवैया ज्ञान पर वचन सुनावे हो राम। लेकिन एक ठे बड़ी अनमोल बात बतिया का कहा। अरे जौने हाथ करी हाय बाबू केहू के भलाई आयर केहू के भलाई आहो करी हा जनी बुराई कहा कि जौने हाथे होई बाबू केहू के भलैया, जौने हाथे करिहा बाबू केहू के भलैया करिहा जिन बुराई समझावे हो राम। बड़ी अनमोल अनमोल बात करते थे। आज एक दिन बीतल दुई दिन बीतल आज तीसर का दिन हो। तीसर के दिन वही शीश महल से दुई गो सिपाही चलल हो बाबा का प्रवचन सुने और सुन करके आ करके उसी महल में बतियावत हुआ। वाह रे बाबा वाह, हरि यार बाबा की क्या अनमोल वाणी थी, बाबा का क्या अंदाज था। खूब बतियावत हो आपस में, ये बतिया रानी के कान में सुनाई दे देल। रानी सोच रही कि भाई कौन बाबा आ गेल, आज ले तो वहां कौरो बाबा ना रहलन, कहीं वह है तो मेस्तरवा तो नाना हो। हरी यार मैं तो उसकी बात है भूल गई। लोग कहलन की छोट लोगन के बाती पे बड़ा लोग ज्यादा गौर ना करेलन, तो आज वो रानी मेस्तर की बात को भूल गई थी। आज चौथ का दिन हो, चौथ का दिन हो, रानी कहला हम तो भुलाए गईली। जल्दी जल्दी रानी स्नान की और एक थाल में पूजा की सामग्री सजा करके रानी लेके मंदिर की ओर चलल है। एक गीत लगल मास्टर, ये देखा कौनो दुलही कसैया जी दिल्ली शहर गल ललन। दुलही बड़ा परेशान बा, कला सैया जी आज तत्काल में गाड़ी पकड़ के घरे आ जा, टिकट कटाला। एकदम दुलही परेशान होके एठे बात कला, कैसे कहला अरे आज गाड़ी धोली महा बोधी अजुए गाड़ी धोली महा बोधिए राजा जी सुत के मनवा कर रहुआ बोधिए राजा जी सुत के मनवा कर लेकिन भाव में कहना है आज मेस्तराइन और मेस्तर जा करके वहां प्रवचन शुरू कर ले हुआ। आई हर रानी पूजा की सामग्री सजा करके चलल हो, मन मन रानी सोचत हो
का सोचत हो? अरे जैसन जेकर करनी वैसन भोगी है जोगी जी, आ तू तो भइला प्रेम वाला रोगी है जोगी जी, तू तो भइला प्रेम वाला रोगी है जोगी जी, तू तो भइला प्रेम वाला रोगी है जोगी जी। ये तो न लगवले होता राम से सने ही ना, सुधरत जेकर जैसन करनी वैसन भोगी है जोगी जी, तू तो भइला प्रेम वाला रोगी है। आजे भैया सारी बात को सोचते सोचते धीरे धीरे जाए के रानी मंदिर के पहल की सीढ़ी पे लात धोइए दिल। जैसे ही धैले लात मेस्तराइन ताकत है के भाई उह तो लगत है उह तो है। मेस्तर के कान में आवाज पड़ल, मेस्तर सोच रहा है कलाकार आवत है कहीं तो नैनवा खोली। कहला रुका बहिन उह लगत है देख ले उह है कि ना, तू प्रवचन शुरू कैले रहा। इधर धीरे धीरे रानी करीब पहुंच गई, और रानी जैसे ही करीब पहुंचल वैसे ही मेस्तराइन कलल ला लाभ खोला नैनवा आई गई लीन। नैन खोल करके मेस्तर तुरंत पैर पर गिरा और गिरते हुए कहा दोहाई माई के खोल होइला, अब यही के प्यार में पगलायल रहल है, अब कहा था कि दोहाई माई के कहो हे ई तोहर माई है तो हम के हैला बड़की माई है। कलन की आज से ये दुनिया में जितनी नारी सब लोग हमार माई और बहन छोड़ कुछ ना कहला, बल्कि मर गए हो तो मुँह फुकौना कहीं जाए के मुँह मार ले ले हुई। लेकिन ये तो जियते राण कह दल एकदम मेस्तराइन परेशान हो गई। वही समय बताया जाता है कि साधु संत के आत्मा में कब प्रभु परमात्मा का वास हो जाए इसे कोई जान नहीं सकता। उस मेस्तर के आत्मा में प्रभु परमात्मा का वास हो चुका था, प्रभु परमात्मा का वास हो गया और गिर के पैर पे दोहाई माई के कहे लगल। आज उस मेस्तर का नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा किस नाम से प्रसिद्ध हुए कहना है क्या पापट लगल मास्टर। अरे पवल मेस्तर, अरे पवल मेस्तर ज्ञान का खजाना मा काशी नगरी में, सुपन नाम से जाने ला जहनवा काशी नगरी में, सुपन नाम से जाने विश्वनाथ मंदिर के बगल में घूरे पे स्थानमा हो, सच्चा मन था सच्ची बुद्धि सच्चा रहली मनमा हो, चेताया रविदास के भल मिलनवा काशी नगरी में, संत मंडली गावेला गुणगनवा काशी नगरी में। आज भैया वही मेस्तर सुपन भक्त के नाम से प्रसिद्ध हुए, सुपन भक्त के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब यहाँ कबतिया लोग यही छोड़ दा, यहाँ कबतिया यही छोड़ दा
कि सुपन भक्त के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ को बतिया है छोड़दा, मात्र 5 मिनट के लिए आप लोग मेरे साथ महाभारत में चलिए। महाभारत में जौना समय 18 दिन का महाभारत समाप्त हो चुका था। लोग कहते हैं महाभारत मात्र 18 दिन की लड़ाई हुई, 18 दिन का वो महाभारत समाप्त हो गए। समाप्त भइला के बाद पांचों पांडव युद्ध जीत करके हस्तिनापुर लौट आए। हस्तिनापुर जब लौट एलन तो पांचों पांडव सोचत हुआ मन में कि भाई महाभारत की युद्ध में कितने दोषी तो मारे ही गए, लेकिन उसमें कितने निर्दोषों का भी जान चला गया, और जितने निर्दोष मारे गए हैं उन लोगों का पाप हम लोगों के सर पे चढ़ गया होगा, कुछ ऐसा कार्य कर जाए कि हमने का पाप धुल जाए। कैलन का मास्टर आल्हा लगल, महाभारत लड़ाई आज जीत के अइला पांच पांडवा भैया, द्वारिका में कृष्ण जी से कहां लोग जा, हवन यज्ञ होई गुरु हमारे दुआ रमाय भैया, कैसे पूरा होई दे गुरु जी बता, घंटावा गगना हमें टांग दी है अर्जुन बचवा, साधु संत खैला से घंटा गनगना, ऋषि महर्षि लोग कैले भोजन माय भैया, तब नाही घंटा वा बाजेला सरका, ए भैया एक यज्ञ रखवा दिए, जहां जहां तक पहुंचती वहां तक साधु महात्मा ऋषियों को निमंत्रण भेजवा दिए, और ये घंटा गगन में टंगवा दिए। किस भगवान कलन की जो उन्हें साधु महात्मा ऋषि के भोजन कैला सु घंटा बज जाई तो समझ जाइया कि तोह लोगन का पाप धुल गए। अब दूर दूर से साधु महात्मा ऋषि लोग आए भोजन किए, अब यज्ञ समापन की ओर है, लेकिन घंटा तो बजा ही नहीं। भागत भागत भीम और अर्जुन फिर पहुंचलन कृष्ण भगवान के पास, प्रभु घंटा तो बजा ही नहीं। कलन की घंटा ना बजल, कलन एठे मेरा एक मेरा भक्त छूट गया है, एक मेरा भक्त छूट गया है, उसे निमंत्रण भेजवाया जाए, हो सके उसके भोजन करने से घंटा बज जाए। कलन पता बतावा भगवान, आज कृष्ण भगवान पता बताए हैं, भीम चलल हमें, चलल हम भीम भैल का मास्टर सदर लगल, सुपन के लिए आवे तब भीम चली भैले, भोजन करावे बदे सती तैया, एक कवर दुई कवर तीन कवर खैला, चौथे में घंटा बाबा जेला गिनगिना, अरे पचवा कवर जब लपेट के उठवला है हंस देली सती तब भैला अपमान भैया, हंस देली आज भैया बताया जाता है आज सुपन भक्त को लेने के लिए भीम काशी के नगरी चलल हुए।
काशी के नगर में पहुंचे। पूछो तो मैं, हे भैया, हे आप सुपन भक्त के जानी ला कलन के, हाँ चले जाइए, उधर ही बैठे होंगे, चले जाइए। कुछ दूर गयलन, फिर पूछा तो मैं, हे भैया, हे तू सुपन भक्त के जाना ला कलन? हाँ वह चल जा, देखा वह पीपर के पेड़ के तरह बैठल हुई है, वही गोदा उदा खात हुई है, वह सुपन भक्त हुए। कलन की अच्छा, धीरे धीरे करीब पहुंचलन, एक बिगाह दूरवाई से देख लेना कि हाँ ये है सुपन भक्त हुए। मन मन सोचत हम भीम की, यो मर्दवा कृष्ण गजब आदमी हुए, यो मजे का गजब आदमी हुए। एक एक से साधु महात्मा ऋषि लोग आए भोजन किए, घंटा बजा ही नहीं, हई तली दरे के खैले घंटा बजी। इतना बतिया सोचत भीम करीब पहुंच गए। बताया जाता है कि सुपन भक्त किसी के भी अंतरात्मा की बात को जान लिया करते थे कि आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं। इतना बतिया सोचत सोचत भीम करीब पहुंचलन। सुपन भक्त सोच लेने कि ये मेरा अपमान कर रहा है, भीम मेरा अपमान कर रहा है। जाए कि पहुंचलन कलन, हे बाबा, हे तो ही सुपन भक्त हवा? कलन, हाँ बेटा, मैं ही सुपन भक्त हूँ। कलन चला हस्तिनापुर में तोहके खैला का निमंत्रण हो, मतलब निमंत्रण देने का अंदाज भी बहुत अच्छा था कि चला तोहके हस्तिनापुर में खैला का निमंत्रण हो। कलन, ठीक है बेटा, थोड़ा स्नान कर लूं और मेरी कुटिया में एक सुमिरनी टांगी हुई है, तब तक तुम लेते आओ। इधर बाबा स्नान कर लगना, भीम पहुंचल हम कुटिया में, और कुटिया में पहुंचलन कलन, वही एक खूंटी हो, वही खुटिया पे हमार सुमिरनी टांगल हो। कलन, वह सुमिरनिया लेते आवा। अब भीम भीतर पहुंचल हो, आ गैलन देखलन के ठे खूंटी पे सुमिरनी टांगी हुई है, 108 मोती का जो रुद्राक्ष होता है उसी को लोग सुमिरनी कहते हैं। आज वह सुमिरनिया जाए के उठावत हो भीम, लेकिन सुमिरनी उठती ना हो। भीम कई अंदाज लगा भैला उठाओ बदे, लेकिन उठते ना हो। सोचत हम, अरे साला हमरे 10,000 हाथी का बल आई ससुरी अठे सुमिरनी ना उठतियो। मन तो कहत है गदवा लगाए के खुटिया में, एकदम चार चूड़ के उपार लियो जरिए से खुटिया सहित। अब भीम गदा लगाए को के चाड़त हम तब्बो ना सुमिरनी टसमस भइल। धीरे से बहरे अइलन, बाबा पूछलन मिली सुमिरनी? खलन की बाबा अंदर कहीं सुमिरनी है या ना, खोज नौली पैबे ना कैली हम। बाबा कलन, कुल करम तो कई भैला। कलन, का बाबा कुछ कहला है? कलन, नहीं बेटा कुछ ना कली, मैं ही कहीं भूल गया हूँ, लग रहा जाके देख ले रहा हूँ। बाबा कुटिया के अंदर पहुंचलन, पीछे पीछे भीम भी जात हम, देखी कैसे उठावलन। गैलन बाबा धीरे से कानी उंगली से उठाए, गले में डाल लिए, डाल के आगे आगे चल दलन। मन मन सोचत हम, लगत है करियवा में दम हो। अब हस्तिनापुर पहुंचे, वहां 16 प्रकार का व्यंजन बना करके द्रौपदी इंतजार कर रही है। बाबा आएंगे, भोजन करेंगे, मेरे 5 पतियों का पाप धुल जाएगा। 16 प्रकार का व्यंजन बना करके सत्थाल में सजा करके चटाई बिटाई लगा करके द्रौपदी इंतजार करत हो। तब तक हुआ क्या, मास्टर खड़ी लगल, अरे द्रौपदी, अरे द्रौपदी के मन में गुमान हो गई, तक खाए पौला नहीं सुपन अपमान।
आज बताया जाता है बाबा गए पहुंचे, जैसे ही बाबा हस्तिनापुर पहुंचे चटाई लगा दी गई, बाबा चटाई पर बैठ गए, सुलह प्रकार का व्यंजन थाल में सजा करके द्रौपदी लाई, आगे रख दी, बाबा भोजन को ग्रहण कीजिए। अब बाबा जब वही भोजन करे जाते हूँ, बताया जाता है कि सारा भोजन बाबा से बात करता था। दलिया कहे प्रभु सबसे पहले अगर आप मुझे चख लेते तो मेरी किस्मत ही खुल जाती। भतवा कहे नहीं प्रभु नहीं, सबसे पहले आप मुझे चख लीजिए। रोटिया कहे नहीं प्रभु नहीं, मुझ पे रहम करिए, सबसे पहले आप मुझको चख लीजिए। मतलब दाल भात अचार मरचा मुरई जितनी कुल रहल भोजन सब कुछ बाबा से बात करता था कि सबसे पहले आप मुझे चख लीजिए। बाबा सोचत हम के खाई आ केकर अपमान करी, लेवा सबके एक में मिला ले। बाबा कुल कटोरी का हाली हाली वही में पलट लेलन, पलट के बाबा वही थरिया में हाली हाली सान के एकदम खिचड़ी बना देलन। अब बनाए के बाबा जब ही एक कवर खैलन, दुई कवर खैलन, तीसरे घंटवा गनगनायल कस के, तब तक गनगनाए के बंद हो गल। काहे बंद हो गल? बगलिया में बैठल द्रौपदी हंस देलै, कल वो सही कहले कि नीच जात के खैले का सहूर न भय। सही कहले कि नीच जात के खैले का सहूर न भय। एक हम सोलहो प्रकार के व्यंजन बनाए की अलग अलग धैली कि बाबा अगर बारी बारी से टेस्ट करी है तो मेरी तारीफ करेंगे। लेकिन बाहर बाबा बाबा तो एकदम खिचड़ी बना देलन। इतना बतिया कह के द्रौपदी हंस दी, आ तब तक बाबा के अंतरात्मा तक आवाज पहुंच गई, बाबा का अपमान हो गया। बाबा सोच ले द्रौपदी बैठ कर मेरा अपमान कर रही है। अब घंटा गनगनाए के बंद हो गल, बजबे न कह। बाबा हाथे में पोत पात के एकदम ऐसा बैठल हमें, घंटा बजा ही नहीं, फिर भागल गईलन भीम। प्रभु घंटवा तो गनगनाए के बंद हो गल, बजबे न कल। कृष्ण भगवान कहलन कि जरूर तुम लोग कोई गलती किए हो, चलो अब मैं चलता हूँ। अब जैसे ही द्वारिका से कृष्ण भगवान हस्तिनापुर पहुंचलन, बाबा हाथे में पोत के एकदम वही बैठल हम चुपचाप। कृष्ण भगवान पहुंचे और कहने लगे कि भक्त भोजन ग्रहण करो। कल नहीं प्रभु मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। पूछ रहे भोजन का स्वाद कैसा है? खलन प्रभु मैं नीच जात क्या बताऊंगा कि भोजन का स्वाद कैसा है, आप खुद ही चख करके देख लीजिए कि भोजन का स्वाद कैसा है। कृष्ण भगवान बताया जाता है प्रमाण मिलता है, कृष्ण भगवान स्वयं सुपन भक्त के हाथ को पकड़े और उनके हाथ में जो जूठा लगा था उसी जूठे को अंगूठे को अपने मुंह में डाल करके चाट लिए और चाट करके कहने लगे कि सच में भक्त भोजन का स्वाद तो लाजवाब है, भोजन करिए। कल नहीं प्रभु मैं ये अब भोजन नहीं कर सकता। आज इधर सुपन भक्त भोजन नहीं किए, बताया जाता है आज फिर गैलन कृष्ण भगवान पांच छो जने से कहलन कि जाय के बाबा के पैर पे गिर के गलती का क्षमा मांगा, नहीं तो आप लोगों का पाप कभी नहीं धुला जाएगा। आज पांच छो जने चलल हम काभल, अरे बगले में खड़ा होके हंसल कन्हाई, द्रौपदी से गलती कौनो हो गईली भाई। अरे क्षमा मांगे पांडव, अरे क्षमा मांगे पांडव, तब ज्ञान हो गई, तब खाए पौलन ही सुपन अपमान हो। आज पांचों पांडव और द्रौपदी जा करके पैर पे गिरे और क्षमा मांग रहे, प्रभु
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। आज बताया जाता है कि क्षमा कैलन, क्षमा कैला के बाद आज कृष्ण भगवान की बात को सुनने के बाद अर्जुन जी अपने हाथों से स्वयं जाकर के भोजन बनाए। जाय के अहरा पे एक ठे हंडिया में कच्चा बर्तन में बताया जाता है कि दाल चावल बाटी और चोखा बनाए के एक पत्तल में सजा करके लाए। प्रभु भोजन को ग्रहण करिए, बहुत बड़ी भूल हो गई और माफ करिए हम लोगों को, हम लोगों का उद्धार करिए। आज बताया जाता है कि वो जो भोजन बना था अर्जुन जी के हाथों का भोजन, वही सुपन भक्त भोजन को ग्रहण किए। भोजन को ग्रहण करने के बाद घंटवा 5 बार बजल। आज जब घंटवा 5 बार बजल तो बताया जाता है घंटा बजने के बाद पाप धुल गया, पांचों पांडवों का पाप धुल गया। कहानी यही से लास्ट लाइन में कहना है, गुरदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह राम दयाल भी ख्याता, अरे कथन किए कभी राम लक्षण जगलु यादव से नाता। अरे दीवाना दिलवर होना चाहिए, दीवाना दिलवर होना चाहिए, अमले सोना के अब नया नया तारा ना हो, दीवाना दिलवर होना चाहिए।